इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने जिले में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पाताल पानी से लेकर मेहंदी कुंड तक साइकिलिंग का आयोजन किया। इस मौके पर इंदौर जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने साइकिलिंग की। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर कलेक्टर इंदौर जिले में इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसकी वजह है कि उन्हें लगता है कि महू ब्लॉक में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं के चलते कुछ दिन पहले कलेक्टर ने तय किया था कि वो पाताल पानी और बामनिया कुंड मेहंदी कुंड तक के ट्रैक को साइकिलिंग ट्रैक की तरह विकसित करेंगे। शनिवार को खुद कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने अपने अफसरों के साथ साइकिल चलाकर इस प्रोजेक्ट के प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत की। टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के बैनर तले बाकायदा एक साइकिलिंग इवेंट रखा गया जिसमें आम लोगों ने शिरकत की, लेकिन इस आयोजन में खास आकर्षण रहे साइकिल चलाते कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव। साइकिल चलाने में कलेक्टर जाटव के साथ जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा, एसडीएम अंशुल गुप्ता ने भी साथ दिया। कलेक्टर के मुताबिक जल्द ही इसी तरह महू ब्लॉक के एडवेंचर स्पोर्ट्स की सभी संभावनाओं को और विकसित कर दिया जाएगा। हमारे चार ब्लॉक में से महू ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट है पहाड़ों के साथ है, नदी के साथ है, इसलिए महू के पास एक कंपेरेटिव एडवांटेज है। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है इको टूरिज्म की गतिविधि ऑर्गेनाइज कराने के लिए। दूसरा ये कि हम यहाँ पे कोई भी गतिविधि करते हैं तो इंदौर के जो लोग हैं उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र आधे घंटे की दूरी पर है, तो यहाँ पे जो इको टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए इन नैसर्गिक स्थानों के प्रचार प्रसार के लिए आज हमने ये इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के बैनर के तले इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। आज हम लोगों ने पाताल पानी से बमनी कुंड तक साइकिलिंग का इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जो करीबन 10 किलोमीटर की दूरी है। इसके अतिरिक्त ऐसे जो टूरिस्ट आते हैं जिन्हें बहुत लंबी दूरी पर साइकिल चलाने का अगर शौक नहीं है तो छोटे डिस्टेंस के लिए हम लोग उनके लिए नए ट्रैकिंग रूट और साइकिलिंग के रूट डेवलप कर रहे हैं। जो हमारी वन समिति है या फॉरेस्ट के जो ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से हम लोग इस पूरी गतिविधि का संचालन करेंगे और उद्देश्य ये है कि जो थीम हमारी है वो इको टूरिज्म हो, पर्यटन को बिना नुकसान पहुंचाए एक अच्छा बैलेंस बना के पूरी जिम्मेदारी से जो पर्यटन विकास की है संभावना उसको तलाश किया जाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही जिला पंचायत सीईओ के मुताबिक एडवेंचर स्पोर्ट्स को महू ब्लॉक में डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल कंपनियों के साथ काम शुरू किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के मानकों के साथ सुरक्षित स्थल व ट्रैक उपलब्ध कराया जा सके। देखिए मैं आपको पहली बात ये बताना चाहूँगी कि पाताल पानी में तो जैसे सामुदायिक केंद्र और रैलिंग वगैरह ऑलरेडी हैं और इसके अलावा
जो आज जो साइकिलिंग हुई थी वो पातालपानी से भामनिया कुंड तक हुई थी, पर वो बहुत ही लंबा रूट है, तो उसके अलावा एक भामनिया कुंड और मेहंदी कुंड के बीच में भी एक रूट डेवलप किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पे टेम्पररी कैंपिंग या जिप लाइन या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स जैसे चोरल में भी प्लानिंग करने का कुछ भी करते हैं, तो हम जो प्रोफेशनल एजेंसीज हैं जो कि बाकी जिलों में या फिर बाकी प्रदेशों में कर रही हैं, उन्हीं के माध्यम से करवाएंगे, तो सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि हर चीज़ जो प्रोफेशनल तरीके से वो पूरी सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करके ही। आपको बता दें कि लोकेश कुमार जाटव का एडवेंचर स्पोर्ट्स एरिया डेवलप करने के साथ इको विलेज डेवलप कर टूरिस्ट के लिए उपलब्ध कराने का प्लान भी है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। बहरहाल जिला प्रशासन ने एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट के लिए साइकिलिंग ट्रैक के उपलब्ध होने की घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।